एक और राग, राग से जुड़ी जानकारियां और उनसे जुड़े हुए फिल्मी गीतों के साथ हम फिर हाजिर हैं। कबूल कीजिए संज्ञा का नमस्कार। आज जिस राग के साथ हम आए हैं उस राग का नाम है राग किरवानी। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। इथलाती हवा नीलम का गगन, कलियों पे ये बेहोशी की नमी। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने राग किरवानी। दक्षिण भारतीय राग है जिसको कर्नाटक संगीत के उसी रूप में धारण कर लिया गया है। ये एक संपूर्ण राग है और इस राग से जुड़े हुए गाने दिल को छू लेने वाले और सेंटिमेंटल फील लाने वाले होते हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 999 ये फिल्म आई थी 1958 में, जिसमें कल्याण जी आनंद जी ने लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों का इस्तेमाल किया था राग किरवानी पर आधारित इस गीत के लिए। किरवानी मेल से ही उत्पन्न ग और ध कोमल, बाकी स्वर शुद्ध, वादी स्त संवादी प जाति संपूर्ण। 1954 वाली नागिन फिल्म में हेमंत कुमार ने बहुत ही खूबसूरत गीत रचे थे, जिनमें से एक गीत राग किरवानी पर आधारित था। मेरा दिल ये पुकारे भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा,
सजा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ मेरा दिल ये पुकारे अब जाऊं मैं कहां बस इतना मुझे समझा जा भीगा भीगा है समा ऐसे में है तू कहां मेरा दिल ये पुकारे आजा। राग किरवानी इतना सरल और सुमधुर राग है कि इनमें कलाकार स्वरों की मंचा ही कल्पना कर सकता है। अन्य रागों की तरह इसमें कोई कड़क बंधन नहीं है। स्वरों के पंखों पर आसीन कलाकार राग व्योम में स्वर कल्पना के कई रंग बिखेर सकता है। आँखों से जो उतरी है दिल में आँखों से जो उतरी है दिल में तस्वीर से जो उतरी है दिल में वो उसके लबों पर शोक हसी वो उसके लबों पर शोक हसी रंगीन शरारत बदल गई बन के घटा निकल गई काबा वो नजर मस्ताने की खुद ढूंढ रही है शम्मच से क्या बात है उस परवाने की आंखों से जो उतरी है दिल में। 1963 की फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ का था ये गीत आशा भोंसले की आवाज में, जिसे राग किरवानी में स्वरबद्ध किया था ओपी नैयर ने। और शायद ये गीत राग किरवानी का सबसे अच्छा उदाहरण है। और ये गीत है 1979 की फिल्म गोलमाल का, जिसे किशोर कुमार ने गाया था राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में। दो पल जो ये जाने वाला है ओ आने वाला पल जाने वाला है हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है एक बार यूं मिली
मासूम सी कली एक बार यूं मिली, मासूम सी कली तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। राग किरवानी राग चारुकेशी के समान ही दक्षिण संगीत पद्धति से लिए गए राग हैं। हिंदुस्तानी या उत्तर भारतीय पद्धति में उनका समावेश किया गया है। दक्षिणायत संगीत पद्धति में रागों की समय व्यवस्था को उतना महत्व नहीं है जितना कि उत्तर भारतीय पद्धति में है, और इसीलिए सबसे अच्छी बात है कि ये सर्वकालिक माने जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी संगीत पद्धति में सभी रागों के गायन वादन का अपना एक समय निश्चित है। वैसे माना जाता है कि चारुकेशी का समय मध्य रात्रि है और किरवानी का सायंकाल, परंतु दोनों ही राग किसी भी समय गाए बजाए जा सकते हैं, समय का कोई बंधन नहीं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। इस राग को सामान्यतया प्यार, भक्ति और दुख से परिपूर्ण गीतों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। 1973 की फिल्म अनामिका का ये प्रसिद्ध नगमा भी राग किरवानी पर आधारित है जो राहुल देव बर्मन ने तैयार किया था। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से। राग किरवानी संपूर्ण राग है, कोमल स्वरों से कोमलता लाने वाला राग है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये दंतल हवा, कहां दो दिलों ने कि मिलकर कभी हो न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये दंतल हवा, कहे झूम झूम रातें सुहानी, कहे झूम झूम रातें सुहानी, पिया होले से छेड़ो दोबारा वही कल की रसीली कहानी। और बस राग किरवानी की बातें और उससे जुड़े हुए गीतों का सिलसिला आज के लिए इतना ही। किसी और राग के साथ हम होंगे फिर आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैं प्यार का राही हूँ तेरी जुल्फ के साए में, कुछ देर ठहर जाऊँ एक मुसाफिर हो, कब छोड़ के चल दोगे ये सोच के घबराऊँ। प्यार कर रहे हैं।